क्या आप भी अपने WhatsApp पर WhatsApp का चैनल बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पर WhatsApp का चैनल कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर WhatsApp के अंदर। तो आप सभी को भी यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन कैसे लाना है और कैसे आप सभी को क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा और आप कैसे चैनल को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, यही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है दोस्तों, WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन दिख रहा है अब, ठीक है। पहले यहाँ पर सिर्फ फाइंड चैनल का ऑप्शन था, अब यहाँ पर क्रिएट अ चैनल का भी ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें क्रिएट चैनल करने का ऑप्शन जो है वो मिल चुका है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन लिख करके अपना चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिला है तो फिर मैं आप सभी को लास्ट में बताऊँगा कि आप कैसे अपने WhatsApp के अंदर चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना चैनल का एक लोगो लगा लेते हैं। तो चलिए जो भी लोगो आपको पसंद है वो लोगो को आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये वाला लोगो लगा लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लोगो लगा लिए उसके बाद यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख लेना है। तो चलिए यहाँ अपना चैनल का नाम भी लिख लेते हैं। चैनल का नाम लिख लिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चैनल के बारे में कुछ लिख देना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो कुछ भी लिख लीजिए। आप चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन को बाद में एडिट भी या फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपना लोगो, चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट चैनल पर क्लिक कर लेना है जस्ट इसके ऊपर एक बार। जैसे ही हम लोग क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो हमारा चैनल है वो क्रिएट हो चुका है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा चैनल का नाम है, और यहाँ पर हमें कुछ भी यहाँ पर चैनल लिंक शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चैनल का लिंक जो है वो हम WhatsApp के अंदर कॉपी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है वो पब्लिकली शो होगा, यानी कि ये जो चैनल है वो पब्लिकली शो होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप इसमें कुछ भी इमोजी वगैरह या फिर GIF भेज सकते हैं, उसका अटैच करके फाइल में यहाँ पर सिर्फ आप फोटो या फिर कैमरा का ये ऑप्शन दिख रहा है, फोटो वीडियो भेज सकते हैं, ठीक है, चैनल के अंदर। और यहाँ पर बिल्कुल टेलीग्राम के जैसा ही है, जो भी कुछ आप इसमें भेजेंगे वो सब पब्लिकली देखेगा और कोई भी आपके चैनल को इसमें फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp के अंदर चैनल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख लिया आपने किस तरह से मैंने आप सभी को बताया है, आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आप चैनल क्रिएट करेंगे वो जो चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट होकर के रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो बाद में फिर दूसरा चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, जितना बार आप चाहे उतना चैनल को क्रिएट इसमें कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है बहुत ही अच्छा आया है WhatsApp के अंदर, और चैनल बना करके आप इससे बहुत सारे पैसा भी कमा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस चैनल को बना करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। और मैं अभी बता देता हूं कि आपको ये चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिला है तो करना क्या है आपको दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाइए। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आप सभी को WhatsApp को सर्च करना है। WhatsApp सर्च करने के बाद यहाँ से आपको WhatsApp को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। जो भी आपका WhatsApp का पुराना वर्जन होगा उसे आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद भी अगर ये फाइंड चैनल का क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है थ्री डॉट पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको चैट पर क्लिक कर लेना है। चैट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैट बैकअप पर क्लिक कर लेना है, चैट बैकअप। और उसके बाद यहाँ पर चैट बैकअप पे एक बार क्लिक करके इसको चैट बैकअप कर लेना है, ठीक है। चैट बैकअप करने के बाद WhatsApp को आप अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर से आप प्ले स्टोर से नया WhatsApp को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप नया WhatsApp को डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा फटाक से, एकदम जल्दी से, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और अपना चैनल बनाइए WhatsApp के अंदर। तो इसी तरह से आप भी अपने WhatsApp के अंदर चैनल क्रिएट कर सकते हैं।